पिछले दिन ही रिलायंस नेटमेट जी है मलोट रोड से कृष्णा मार्केट के खुली हुई है, उत्थे बड़ी तादाद के पाबंदी शुदी दवाइया बरामद हुई भी उन्होंने उत्ते उन्होंने कार्रवाई की जाए, लेकिन साड़ी सरकार ने इन्नी नहीं सुनी। असी सैकड़े की तादाद मैंबरेंडम भी दिता है ड्रग डिपार्टमेंट बठिंडा का और पुलिस डिपार्टमेंट बठिंडा का धन्नवाद भी करते हैं जिन्होंने ईमानदारी इन्हों घरान के उत्ते परचा करके उन्होंने अरैसट पाई है। ये एक अरैसट पाने सा मसला जो हल नहीं होंगे, साडा मसला हल हुंदा इन्हां घराणियां दे लाइसेंस कैंसल किए जाण और साडे जिहड़े छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, छोटे कैमिस्ट है, उन्हां नूं बचाया जा सके, उन्हां दी रोजी रोटी नूं बचाया जा सके तां कि असीं अपने जिहड़े बच्चे है वह पाल सके। जिहड़ा साडा व्यापार है वह एक प्रीमिसिस दा एक लाइसेंस मिलता है। सपोज आ दुकान पर आप बैठे हैं, उस दुकान का सानूं लाइसेंस मिलेगा भी इन्नी बाई इन्नी दुकान के सानूं लाइसेंस है और तुसीं इत्थे सेल परचेज कर सकते। जिहड़ियां ऑनलाइन दुकानां है ये माल कितों की लैके कितों ही भेजते हैं, उन्होंने कोई एक्सपायरी का ज कोई होर उन्होंने जोड़ा आप टैंपरेचर का मापदंड कोई नहीं है। दवाइया के खेत्र बड़े घराण की आमद को लेके छोटे मैडिकल स्टोर संचालक एकजुट होने शुरू हो गए हैं। जो जिला प्रशासन को मंग पत्र दिता है साढ़े नाल ने जिला कमिस्ट एसोसीएशन के प्रधान अशोक बालियांवाली जी, उन्होंने पूछते हैं भी की मामला, तुसी क्यों इतने इकट्ठे हुए हो, कादे वास्ते मंग पत्र दिता है। अशोक जी मामला की है? जिला बठिंडा कैमिस्ट एसोसीएशन के सारे यूनिटा की अज एक इतने बैठक भी की गई और नाल ही एक असी मीडिया राही अपने सारी जनता को यह दसना चाहते सी कि पिछले दिन ही रिलायंस नेटमेट जी है मलोट रोड से कृष्णा मार्केट के खुली हुई है, उत्थे बड़ी तादाद के पाबंदी शुदी दवाइया बरामद हुई हैं। तो असी पिछले कई सालों तो संघर्ष करते आ रहे थे, असी सरकारों को दस रहे थे भी ये बड़े घराने के बड़े जोड़े शोरूम है उन्होंने उत्ते योजा काम हो रहा है भी उन्होंने उत्ते उन्होंने कार्रवाई की जाए, लेकिन साड़ी सरकार ने इन्नी नहीं सुनी। असी सैकड़े की तादाद मैंबरेंडम भी दिता है, लेकिन हुण जदों एक गल दवाइया उन्होंने शोरूम चो फड़िया गई तो उन्होंने उत्ते नारकोट ड्रग के तहत परचा हो गया और गिरफ्तारी की। असी उन्होंने ड्रग डिपार्टमेंट बठिंडा का और पुलिस डिपार्टमेंट बठिंडा का धन्नवाद भी करते हैं जिन्होंने ईमानदारी इन्हों घरान के उत्ते परचा करके उन्होंने अरैसट पाई है। लेकिन नाल ही असी ये मंग भी करते हैं भी ये एक अरैसट पाने साडा मसला जो हल नहीं होंगे, साडा मसला हल होंगे इन्हों घराण के लाइसेंस कैंसल किए जाने और साडे जिहड़े छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, छोटे कैमिस्ट है, उन्होंने बचाया जा सके, उन्होंने रोजी रोटी बचाया जा सके ता कि असी अपने जिहड़े बच्चे है वह पाल सकी। तुसी क्या है कि जिहड़े छोटे दुकानदार है मैडिकल संचालक है उन्होंने बचाउण दे वास्ते इन्हां ते नत पाई जावे, पर जिहड़ी तां गवर्नमेंट है वह तो FDI का जां जिहड़ी फॉरन इन्वेस्टमेंट हैगी है उहनूं उत्साहित कर रही है, बड़े घराणियां नूं दे रही है, तो तुहाडा फिर किवें बचेगा? साडा एक अलग इशू है, असी एक ड्रग डिपार्टमेंट के नाल बन्ने हुए हैं, ड्रग एक्ट के मुताबिक बन्ने हुए हैं, दूसरे व्यापार होर तरीके दे है। जिहड़ा साडा व्यापार है वह एक प्रीमिसिस का एक लाइसेंस मिलता है। सपोज आ दुकान पर आप बैठे हैं, उस दुकान का सानू लाइसेंस मिलेगा भी इन्नी बाई इन्नी दुकान के सानू लाइसेंस है और तुसी इत्थे सेल परचेज कर सकते हो। लेकिन जिहड़ियां ऑनलाइन दुकानां है ये माल कितों की लैके कितों ही भेजते हैं, उन्होंने कोई एक्सपायरी का ज कोई होर उन्होंने जोड़ा आप टैंपरेचर का मापदंड कोई नहीं है, कोई मतलब इलाज उन्होंने लागू नहीं होंगे। असी गल कहें भी ये ड्रग एक्ट के मुताबिक असी कई कोर्टों के केस भी जित चुके हैं, कई केस जोड़े साढ़े हक च होए भी ड्रग जोड़े एक्ट के मुताबिक भी ये ऑनलाइन सेल परचेज नहीं कर सकती। असी कहने भी साढ़े डिपार्टमेंट के तहत असी ये कहने हैं ड्रग डिपार्टमेंट एक्ट इन्हें होना चाहिए, इन्हों भी लगना चाहिए और ये जड़े घराने इन दुकाना बंद होनी चाहिए। साढ़े नाल एक होर साथी भी है, की नाम है जी? पवन कुमार जी। पवन जी की कारण तुसीं जिहड़ा मंग पत्र देण जा रहे हैगे हो, की मंगा तुहाडियां जिहड़ियां? साढ़िया तो मंगा ये है जी, मतलब जिवें ये वड्डे घराने है, छोटे घराने नूं खत्म करन ते तुले होए है, ये मतलब वध तो वध पब्लिक नूं मतलब 35-35% लैस दे जांदे आ, जदों कि असीं इन्ना दे नहीं सकते। जो असीं इन्ना दे नहीं सकते तो असीं तां मतलब साढ़े कोल कोई आउ ना, इसलिए साडा व्यापार भिड़दा, असीं खत्म हुंदे आ। पर जे वो वध लैस दिंदे आ ते इहदे नाल जिहड़ा आम पेशेंट है जां आम वर्ग है उहनूं तां राहत मिलदी है? उन्होंने राहत मिलती है, पर जो रूल्स ज़्यादा कंपनियां ने सब एक जे होने चाहिए है, सबनों एक जहा लैस देवे। जो वे घराने वे घराने लैस ज़्यादा मिलता, सूँ घट मिलता, इस करके असं उन्हों का मुकाबला कर ही नहीं सकते।
जे सपोज़ करो तुसी मंग पत्र देन जा रहे हो तुहाडी मंग ना मन्नेगी कि बड़े घराणियां नूं जिहड़े लाइसेंस है कैंसल ना किए गए तो तुहाडा कलैक्शन की होगा? साडा कलैक्शन जो साडा मतलब पंजाब प्रधान सानू जो भी हुक्म करनगे असीं उस ते चलांगे। ਇਹ ਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ D5 ਚੈਨਲ ਲਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।